नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9Hindi.com और मैं हूं रोहित। देश के 5 राज्यों में फिलहाल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पारा अगर कहीं सबसे अधिक गर्म है तो वो है पश्चिम बंगाल। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल में मौजूद हूं और ये पश्चिम बंगाल का हल्दिया इलाका है। मैं फिलहाल हल्दिया से नंदीग्राम जा रहा हूँ, जहाँ से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है, और इस वक्त मैं फेरी पर मौजूद हूँ जो नदी पार कर रहा हूँ। यहाँ तमाम लोग हैं और उन सभी से मैं बात करूंगा कि पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी की कितनी योजनाएं ज़मीन पर उतरी हैं, किसको कितना लाभ मिला है और कौन हार जीत रहा है, क्या है सियासी समीकरण। ममता बनर्जी अभी द्वारे सरकार योजना चला रही हैं, क्या हुआ आपको, कुछ मिला, आए लोग आए थे आपके यहाँ? कुछ नहीं आया। तो आप और क्या पूछते हैं हमको? और हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो ममता बनर्जी की जो आपको, आपके पास राशन कार्ड है? अनाज मिलता है? नहीं। क्यों, क्या हुआ? आपके पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड है। अनाज मिलता है? अनाज मतलब राशन मिलता है? हाँ, राशन तो मिलता है। अच्छा, ममता बनर्जी के सरकार में क्या बदला? देखिए, अभी जो पहले जो काम हुआ था तो अच्छा था। हाँ, अभी थोड़ा कमजोरी हो गया। जैसे क्या? देखिए, कैसे क्या किसी के बारे में बोलेगा तो ठीक नहीं है। हाँ, तो मेरा पर्सनल का बात है, थोड़ा परिवर्तन तो हो गई। अच्छा, ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी, कौन क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? यहाँ अभी इस बार में चुनाव में दिखाई दे रहा है तो मेरा पर्सनल मैटर है, तो अभी बीजेपी का हवा चल रहा है। बीजेपी का हवा चल रहा है? किसकी हवा चल रही है? बीजेपी का हवा चल रही है। क्यों? उनका काम अच्छा है ना? क्या काम किया है बताइए जरा। ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया है। हाँ, लेकिन इसका जो नीचे जो नेता होता है ना। हाँ, इसका काम गलत है। अच्छा, इसकी वजह से यहाँ का नंदीग्राम का हर आदमी गलत पलट गया है। अच्छा, तो कौन जीत रहा है नंदीग्राम से? नंदीग्राम से जीत रहा है बीजेपी। बीजेपी, अच्छा। तो ये तमाम जो 2-3 लोगों से हमने बात की है, चूँकि हम थोड़ा जल्दी से किनारे लग गए हैं, लोग उतर गए हैं और आगे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, तब तक बने रहिए TV9Hindi.com के साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।